जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 18वीं वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 19वीं वंदे भारत पर लोगों की अटकलें लगी हुई थी कि 19वीं वंदे भारत ट्रेन कहां से और कब शुरू होगी, तो उसका फाइनल डेट आ चुका है और कहां से कहां के बीच चलने वाली है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे के हर हिस्से में वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की कोशिश की जा रही है इंडियन रेलवे द्वारा, लेकिन कई राज्यों को इस ट्रेन का तोहफा मिल चुका है और जल्द ही 19वीं वंदे भारत यानी कि मुंबई और गोवा के बीच शुरू होने वाली है। मुंबई के CSMT से चलकर वंदे भारत ट्रेन गोवा के मडगांव के बीच दौड़ेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 3 जून 2023 को होगा। इसके बाद 4 जून से यह रेगुलर यानी कि संचालित कर दिया जाएगा। इस ट्रेन के अगर कुछ पोजीशन की अगर हम बात करें तो मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन में कुल 8 या 16 कोच में कितने कोच होंगे, इस बात की जानकारी अभी तक इंडियन रेलवे ऑफिशियली नहीं दिया है। रेलवे इस बात पर जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा के कुल समय में 45 मिनट की कटौती हो जाएगी। इस रूट पर ऑलरेडी पहले से तेजस एक्सप्रेस चलती है, ऐसे में तेजस के मुकाबले वंदे भारत ट्रेन आपको 45 मिनट पहले यात्रियों को गोवा पहुंचा देगी। रूट और किराए के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे ने मुंबई गोवा के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट और किराए के बारे में जानकारी अभी नहीं दी है। रेलवे जल्द ही इसके बारे में जानकारी देगी, जो सार्वजनिक करेगी वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी ऑफिशियली इसका रूट और फेयर क्लियर नहीं हो पाया। तो दोस्तों जल्द ही 19वीं वंदे भारत ट्रेन 18वीं शुरू हो चुकी है और 19वीं वंदे भारत ट्रेन गोवा और मडगांव के बीच बहुत जल्द यानी कि 3 तारीख को शुरू होने वाली है। गोवा एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर देश विदेश यहाँ तक कि अपने देश से लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए और विदेशों से भी लोग वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो इसके लिए इंडियन रेलवे वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन दे रही है ताकि वहाँ से इंडियन रेलवे को अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट होगा और लोगों को वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करके गोवा जाने में उन लोगों को मजा भी आए। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि इंडियन रेलवे उसी जगह को फोकस कर रही है जहां पर टूरिस्ट ज़्यादा आकर्षित, धार्मिक स्थल हो या फिर घूमने फिरने की जगह हो, उसी जगह को इंडियन रेलवे पहले ज़्यादा फोकस कर रही है वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो अभी फिलहाल 19वीं वंदे भारत 3 तारीख को मुंबई और गोवा के बीच इंडियन रेलवे शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।